एक महिला ने एक अंडे बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप अंडे क्या भाव बेच रहे हो? बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैडम 5 रुपए का एक अंडा है। महिला ने विक्रेता से कहा, मैं तो 25 रुपए में 6 लूंगी, वरना मैं जाती हूँ। बूढ़े विक्रेता ने उत्तर दिया, आइए और जो कीमत आप बता रही है उसी भाव में आप अंडे लेकर जाइए, शायद यह मेरी अच्छी बोनी हो जाए, क्योंकि आज अभी तक मैं एक भी अंडा नहीं बेच पाया हूँ। उस महिला ने अंडे खरीदे और वह इस तरह चली गई जैसे उसने बहुत बड़ी लड़ाई में जीत हासिल की हो। वह अपनी कीमती गाड़ी में बैठी और अपने मित्र के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां पर उसने और उसके मित्र ने अपनी पसंदीदा चीज़ें मंगवाई। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए ऑर्डर के सामान में से कुछ कुछ खाया और बहुत सारा सामान छोड़ दिया। तब वह महिला बिल का भुगतान करने के लिए चली गई। कुल 1400 रुपये का बिल बना। उसने रेस्टोरेंट के मालिक को 1500 रुपये दिए तथा उससे कहा कि बाकी के पैसे वो रख ले। यह घटना रेस्टोरेंट के मालिक के लिए बेशक एक साधारण सी घटना रही होगी, लेकिन उस बेचारे गरीब अंडे बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी यह घटना। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि जब हम एक अभावग्रस्त व्यक्ति से कुछ खरीदारी करते हैं तो हम यह दिखावा क्यों नहीं करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन हम जब किसी अमीर व्यक्ति से खरीदारी करते हैं तो हम खुद को उदारवादी क्यों दिखाना चाहते हैं, भले ही उस व्यक्ति को हमारी उदारता की आवश्यकता ही न हो। दोस्तों, कृपया कोई भी खरीदारी गरीब से करे और मोलभाव कम ही करे, क्योंकि वर्तमान में लुटेरा गरीब नहीं धनवान लोग है। आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।